सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती महिला को धात्री महिला में कैसे ट्रांसफर करेंगे। इसका 100% सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, जैसे कि इस वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप में इस ट्रिक को अपना के जो भी गर्भवती महिला है उसको धात्री महिला में यानी कि माइग्रेट उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए पिछला जो अपडेट आया है 18.7.2 और इससे पहले भी जो अपडेट आया था 18.7.1, इन दोनों अपडेट के बाद भी आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप में माइग्रेट वाला जो कैलेंडर का ऑप्शन है वो खुल नहीं रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि माइग्रेट कैसे करना है और हम कैसे इसको माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ माइग्रेट करके दिखलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम एक लाभार्थी को यानी कि ये गर्भवती महिला है, इनका डिलीवरी हो चुका है, इसको हम सबसे पहले माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटरी मदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी डेट भरने की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल के आ चुकी है। ये कैसे खुल के आया है इसका तरीका मैं आपको आगे इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको माइग्रेट करके दिखा देते हैं किस प्रकार से माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे हम डिलीवरी का डेट डालेंगे जिस दिन उस गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई है, तो हम उसका डेट पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 11 तारीख का डेट डाल दिया है यानी कि 11 इसी माह में इस गर्भवती महिला का डिलीवरी हुआ है। तो यहाँ पे डेट डालने के बाद सीधे हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे कि क्या आप श्योर हैं कि इस गर्भवती महिला को आप माइग्रेट करना चाहते हैं। तो हाँ हम श्योर हैं, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी माइग्रेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली कई दिनों से सभी सेविका बहन परेशान है कि हम लोग कैसे माइग्रेट करें, और माइग्रेट ना होने के कारण जो है कि कई सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का जो है कि इनएक्टिव में चला गया है वो लाभार्थी। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग आसानी से इसको माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे 0 से 6 मंथ के बच्चों की डिटेल्स भरी जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल इसको नहीं भर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कैसे इसको भरना है, सारा कुछ डिटेल आप लोग यहाँ से भर सकते हैं। अभी मैं चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आपको माइग्रेट करना है, मैंने कैसे इसको ये जो ऑप्शन है उसको ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि इस पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ से काट देना है। काटने के बाद यहाँ पे जो आप पोषण ट्रैकर ऐप देख रहे हैं इसको आप एक बार यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे कि अभी आपने 18.7.2 को अपडेट कर लिया होगा, अपडेट करने के बाद आपका ये पोषण ट्रैकर ऐप में माइग्रेट वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप को आप लोग एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आप लोग प्ले स्टोर में आ जाइए, और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप इसको फिर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो पोषण ट्रैकर है फिर से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये जो एरो वाला निशान है यहाँ पे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे डाउन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म कर देना है, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉग इन कर लेना है। चलिए हम आपको लॉग इन करके आगे बताते हैं। तो लॉग इन करने के बाद सीधे हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में। यहाँ पे आने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी गर्भवती महिला है जिनका भी अगर डिलीवरी हो चुका है या फिर डिलीवरी होने वाला है वो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे अब खुलने लगेगा। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर रहे हैं, ये दूसरी लाभार्थी का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब यहाँ पे जो कैलेंडर वाला डेट है वो अब आसानी से खुलने लगा है। तो इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि एक बार आपको पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, फिर आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और इतना सारा कुछ बताने के लिए आपसे मुझे एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, और चलिए जिसको हमने यहाँ पर माइग्रेट करके आपको दिखाया है उसका स्टेटस आपको दिखाते हैं कि वो माइग्रेट हुई है या नहीं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं लैक्टेटिंग मदर वाली कैटेगरी में। ठीक है,
यहाँ पे आने के बाद हमने जिसको माइग्रेट किया वो यहाँ पे देख सकते हैं मनीषा सिंह। अभी हमने इसको माइग्रेट किया था और यहाँ पे ये इसका जो स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है, यानी कि गर्भवती से धात्री में ये महिला ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है वो 100% ठीक हो गई है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप की जो भी गर्भवती महिला है उनको माइग्रेट आसानी से कर सकें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।